इस देश की जनता के सारे हक लगातार खत्म किए जा रहे हैं। हम तो वकील हैं और फौजदारी के वकील हैं, तो हमें तो पूरी अच्छी तरह से मालूम है। मोदी जी को चिंता है इस बात की कि उनका जो चेहरा है वो दुनिया में दिखता रहना चाहिए, चाहे उसके लिए 4 करोड़ रुपए हर दिन विज्ञापन के लिए उन्हें खर्च करने पड़े। साथियों, जब न्याय मिलता नहीं है तो न्याय छीनना पड़ता है। आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर पूरी तरह से आरएसएस का कब्जा है। महिला के साथ में सामूहिक बलात्कार किया गया, 3 साल की बच्ची तक को मारकर उसके परिवार के 7 लोगों का कत्ल कर दिया गया। उन लोगों को उसी दिन जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे हैं महिलाओं के सम्मान की, शाम को छोड़ दिया जाता है। इतने जघन्य अपराधियों को, और यह तब छोड़ दिया जाता है जबकि कानून यह है कि बलात्कार और हत्या के जो दोषी हैं उनको यह रेमिशन की यानी क्षमादान की जो विशेष सुविधा है नहीं दी जाएगी, उस सब के बावजूद छोड़ दिया गया। तो हम कैसे माहौल में जी रहे हैं? माहौल यह है कि इस देश की जनता के सारे हक लगातार खत्म किए जा रहे हैं। इस देश की जनता को और जो बेगुनाह है विशेषकर उनको सरकार के माध्यम से, अदालतों के माध्यम से तबाह किया जा रहा है। और मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि इस देश में जिसे हम न्याय की बात करते हैं, ये जो शब्द है ना न्याय, अंग्रेजी में जिसे जस्टिस कहते हैं, ये शब्द आज की तारीख में इस देश में चंद पढ़े लिखे लोगों की केवल मानसिक जुगाली के लिए शब्द रह गया है। इसका अर्थ कुछ नहीं है। किसी को न्याय नहीं मिलता यहां, किसी को भी। यह अलग बात है कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में किसी के पक्ष में फैसला हो जाए, लेकिन इतने दिन में भी अगर फैसला होता तो उसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं, बेकार, बेकार है, कोई मतलब नहीं उसका। ये जो चीजें चल रही हैं लगातार, और आप और हम सब भी देख रहे हैं, अदालत तो देख ही रही है लेकिन आप और हम सब भी देख रहे हैं, क्योंकि इसके सबसे ज्यादा जो प्रभावित होने वाले हैं, पीड़ित होने वाले हैं, शोषित होने वाले हैं, हम ही लोग हैं, यानी आम जनता है। तो मारने वाला अगर नहीं समझ रहा, पिटने वाले को तो समझना चाहिए कि कब तक चांद पिटवाता रहेगा भाई। पिटने वाले को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए? लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जिस पर अत्याचार हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, वो भी आराम से सर झुका के चांद पर जूते खाए जा रहा है, बोल वो भी नहीं रहा। और इस सरकार से डर रहे हैं, जिस सरकार के विषय में उदाहरण मैं समझता हूं, 3 उदाहरण इतने बढ़िया, बड़े भाई महमूद पराचा जी ने बताए हैं, किसान आंदोलन का हो, शाहीन बाग का हो, और SC ST एक्ट का हो, सब बताए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप ईमानदारी से इकट्ठे होकर सड़क पर निकल आएंगे तो सरकार घुटनों पर आ जाएगी। इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं है। तो साथियों, वो तो अपने आप को बदलेंगे नहीं, क्या हमें नहीं बदलना चाहिए? क्या हमें अपने हक के लिए इस अन्याय के खिलाफ लड़ना नहीं चाहिए? मैं तो इसमें एक बात और आपसे कहूंगा, निवेदन करूंगा, मेरी इस बात को आप और सोचें, और हम तो आपके आदेश पर हमेशा आपके साथ हैं, कहने की जरूरत नहीं, आपने देखा है, हमेशा आपके साथ में रहेंगे कि जब आप ये उठा रहे हैं मुद्दा, इस मुद्दे को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसको और व्यापक बनाएं। मैं क्यों कह रहा हूं उसकी बात, आज की तारीख में हम तो वकील हैं और फौजदारी के वकील हैं, तो हमें तो पूरी अच्छी तरह से मालूम है कि जितने भी लोग इस देश में आज की तारीख में जेलों में बंद हैं, 60 से 70% लोग बेगुनाह लोग हैं।
लेकिन कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। तो कोई आपकी बात सुने, जैसे ऐसे ऐसे एक्ट के विषय में बताया, न केवल सरकार ने सुना बल्कि अदालत ने भी सुना और देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुना, बदला उसने अपना फैसला। तो जब आप संघर्ष करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है आपको आपका हक मिलेगा। हमारे बंदी सिंह, बल्कि और भी ऐसे हमारे जितने सिंह हैं, और इसके अलावा इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके मुकदमे में जितनी सजा है वो मुकदमे से ज्यादा अभी फैसला भी नहीं हुआ और वो जेलों में बंद हैं। एक बार बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने इसी उस पर रिसर्च कराई थी, सारा सर्वे कराया था, उसके बाद में आदेश दिया सो बहुत लोगों को छोड़ा गया, और उस समय ऐसी स्थिति थी कि सजा 7 साल की थी, 14-14, 15-15 साल से जेल में बंद थी, ये स्थिति थी। और आज भी हमारे सामने वो स्थिति बरकरार है। इसके एक उदाहरण से और आप समझें कि न्याय की किसी को परवाह क्यों नहीं है, विशेषकर अदालतों की बात मैं कहता हूं, उन्हें क्यों परवाह नहीं है, सरकार को परवाह नहीं है। आप कभी सोचते हो मोदी जी को चिंता है इस बात की कि उनका जो चेहरा है वो दुनिया में दिखता रहना चाहिए, चाहे उसके लिए 4 करोड़ रुपए हर दिन विज्ञापन के लिए उन्हें खर्च करने पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनता का पैसा है उनके लिए, वो मौज मस्ती के लिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। लेकिन जो जनता है उसको तो समझना पड़ेगा। तो जो ये अदालतें हैं, मैं इसलिए भी जानता हूं क्योंकि मेरे पिताजी जज रहे हैं, तो जब जेल का इंस्पेक्शन करने जज जाता है तब स्थिति क्या होती है आपको बहुत सी चीजें वहां पता लगती हैं। होता क्या है कि जब हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज जेल का निरीक्षण करने जाते हैं, देखने जाते हैं कि जेल के हालात क्या है, पता लगती है 15 दिन पहले ही, महीने भर पहले बता दिया जाता है। और जब आप बता के जा रहे हो और हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज जा रहे हो तो क्या इंतजाम होगा, आप सब समझ सकते हैं। जो भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जिन पर एतराज होगा सबको ठीक करके दिखाया जाएगा, और जैसे जाते हैं ना रेड कारपेट पर बिछा के इधर से उधर घुमा के ले आए, कहानी खत्म होगी तो आपको क्या दिखेगा, सच्चाई कहां पता लगेगी। सच्चाई अगर जाननी है वो तभी पता लगेगी कि बिना बताए अचानक आप जाइए, निरीक्षण कीजिए, हर जगह को देखिए तो पता लगेगी हकीकत क्या है। पर किसी को इसकी चिंता नहीं है, क्यों? क्योंकि इस देश में जो लोग हैं ना उनकी कीमत इंसान के रूप में नहीं है, कीड़े मकोड़ों से ज्यादा उनकी कीमत इन लोगों की नजर में नहीं है, चाहे वो सरकार हो चाहे अदालतें। अगर होती तो फैसले उसी के हिसाब से होते। बड़े भाई महमूद पराचा जी ने, क्योंकि उन्होंने स्वयं जत्थेदार हवारा साहब का वो केस कर रहे हैं, उन्हें पूरी सारी डिटेल्स मालूम है, मुझे इतनी डिटेल्स मालूम नहीं है, लेकिन 28 साल से जिस तरह से वकालत हम कर रहे हैं और देख रहे हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं न्याय नहीं है। तो साथियों, जब न्याय मिलता नहीं है तो न्याय छीनना पड़ता है, अन्यथा आपकी तबाही को, आपकी बर्बादी को, आपके खात्मे को कोई नहीं रोक सकता। और यहां छीनने के लिए को आपको बहुत ज्यादा कुछ करना भी नहीं है, केवल एक ही काम करना है, अपने छोटे स्वार्थों को छोड़ के हम लोग इकट्ठे हो जाएं ईमानदारी से और भूखे रहकर भी संघर्ष करें, यह मादा लेकर सड़क पर आए, जन आंदोलन करें, तभी हमें न्याय मिलेगा। हम लोग जन आंदोलन की बात ऐसे ही नहीं कहते, जन आंदोलन की बात हम बहुत सोच समझकर, और जो परिस्थितियां आज की तारीख में हैं और जिस तरह से लगातार चल रही हैं उनको देखकर कह रहे हैं। आप सिर्फ इनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप लोग समझे नहीं, आप लोग इकट्ठे हुए नहीं, और 2024 के चुनाव में यही सरकार वापस आ गई, आपके पास कुछ नहीं बचेगा, बोलने का अधिकार नहीं बचेगा, और तो छोड़ ही दीजिए आप बात, कोई अधिकार नहीं बचेगा। फिर एक ही चीज होगी, जो लोग गुलामी पसंद हैं वो लोग गुलाम बनकर जिंदा रहेंगे, केवल जिंदा,
सांस ले सकेंगे, और जो लोग गुलामी पसंद नहीं है वो लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो मरेंगे और मारेंगे। गृह युद्ध होना ही है। अगर इस सरकार को उखाड़कर नहीं फेंका गया तो कितने अफसोस की बात है कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले से घोषणा करते हैं कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, आप समझिए इस बात को, और ठीक उसी दिन गुजरात में उन अपराधियों को छोड़ दिया जाता जो इतने गंभीर अपराध के दोषी सिद्ध है, वो सुप्रीम कोर्ट तक से उनकी सजा बहाल रही, उनको छोड़ दिया गया। और दूसरी तरफ देखिए कि जब गुरु गोविंद सिंह साहब का ही वो 500वां जो जन्मदिन था, गुरु नानक साहब का 550वां, और प्रधानमंत्री खुद इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि इनको छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक छोड़ा नहीं गया, तो प्रधानमंत्री की कथनी करनी में अंतर नहीं है क्या? अगर वाकई में कोई ये कहे आज की तारीख में प्रधानमंत्री चाहे और काम ना हो, यह संभव ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी वही करेगा जो प्रधानमंत्री चाहेंगे। मैं आज इस तरह से इस भाषण में बोल रहा हूं तो जो राज्य सरकार है उनकी औकात क्या है भाई? जो राज्य सरकार बीजेपी की ही सरकारें हैं उनकी औकात अगर प्रधानमंत्री चाहे और वो उस पर अमल ना हो, संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है जो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, यानी आप जो भाषा बोल रहे हैं वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए बोल रहे हैं, अंदर से कुछ और है बिल्कुल। और मैं इस विषय में जो जानता हूं उसका एक बहुत बड़ा कारण है, सिख समाज उसकी सेवा और उसकी शक्ति उसकी सामर्थ्य इस सरकार को अच्छी तरह से मालूम है, और वो किसी कीमत पर नहीं चाहती कि आप और मजबूत हों। यह है हकीकत। आने वाले समय में आप देखना, यह तो शुक्र कीजिए कि जो किसान आंदोलन था जो 26 जनवरी को जो सारा का सारा हुआ था, सरकार का जो षड्यंत्र था वो फेल हो गया, अन्यथा 1984 था उसकी पुनरावृत्ति हो सकती थी। यह स्थिति थी, हम तो वही थे, हमने सब अपनी आंखों से देखा है सारा। सो सरकार मानेगी आपकी बात लेकिन दबाव में, अदालतें मानेंगी आपकी बात लेकिन दबाव में। दबाव का एक उदाहरण और बताता हूं। प्रशांत भूषण साहब बड़े नामी जाने माने एडवोकेट हैं, उनके खिलाफ में कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने किया, जबरदस्ती किया, और करने के बाद में जब उन्होंने 2 मुकदमे थे जिसमें उन्होंने 9 जो सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ सबूतों सहित जवाब दे रखा है कि ये बेईमान है, तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं, तुम कंटेंप्ट कर रहे हो तो सारी सबको निकालो, सबके विषय में चर्चा करो। हालत ये हो गई, इतना पूरा वकील समाज खिलाफ हो गया, सुप्रीम कोर्ट को अपनी जान बचानी इज्जत बचानी भारी पड़ गई, और ले दे के कैसे ही, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने 9 चीफ जस्टिस हैं जिनके खिलाफ उन्होंने सबूतों सहित आरोप लगा रखे उसको तो ठंडे बस्ते में डाल दिया, और जो मोटरसाइकिल वाला था उस कंटेंट में 1 रुपया जुर्माना करके जान बचाई अपनी। तो यह है ताकत का नजारा। कोई भी सरकार, कोई भी कानून, कोई भी अदालत जनता से ऊपर नहीं है, न कभी थी, न आज है, और न ही होगी, बशर्ते जनता को अपनी ताकत का एहसास हो। आप कमजोर हो सकते हैं, अकेले गरीब हो सकते हैं, अनपढ़ हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इकट्ठा हो जाइए, अपनी ताकत का एहसास आपको जो होगा आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए आप। हमारे जो 9 सिंह हैं हमारे जिनकी रिहाई की बात कर रहे हैं, बाकी और सिंहों को और इसके अलावा जितने और भी बेगुनाह हैं उसको भी इसमें ऐड कीजिए। हम फिर दोबारा से दोहरा रहा हूं, आपके साथ कल भी थे, आपके साथ आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। इंसाफ की लड़ाई में
हम आपको कंधे से कंधा, कदम से कदम मिला के आगे मिलेंगे। पीठ दिखाने वाले नहीं है, गोली भी लगेगी तो सीने पर ही लगेगी। जैसा हमारे बड़े भाई महमूद पराचा जी ने कहा, हम इसको आगे बढ़ाएं, जन आंदोलन का रूप इसे दें, तब निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। अगर हम कानूनी पक्ष में जाएंगे तो मेरी बात को आप बुरा तो मानना नहीं, पर मैं अभी लिख के दे सकता हूं, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, कानूनी रूप में आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि आज की तारीख में सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर पूरी तरह से आरएसएस का कब्जा है। आरएसएस की मानसिकता वाले ही लोग वहां पर बैठे हैं और उसमें आप कहीं फिट नहीं बैठते हो। इसलिए आपको न्याय मिलेगा, मुझे इसमें पक्का विश्वास है नहीं मिलेगा। हां, हम अगर सड़क पर आ जाएंगे, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि आप यहां गुरुद्वारा परिसर में ही बैठे हैं, बावजूद उसके प्रशासन की जो है सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं, शासन प्रशासन जो लगा हुआ है इंटेलिजेंस के, भाई यू क्यों बैठे हैं, बता, धारा 144 आ, धारा 144 सड़क पर लगाना, ये तो हमारा घर है भाई, हमारा मंदिर है, यहां धारा 144 का क्या मतलब है? फिर भी मतलब अधिकारियों की आप गुलामी की इंतहा देख लीजिए। आप एक आईपीएस ऑफिसर की यह हालत है, कानून नहीं पढ़ा इसका मतलब उसने, और पढ़ा है तो गुलामी में सब कुछ भूल चुका है। तो जब यहां बैठने से दिक्कत हो रही है, अगर आप सड़क पर निकल जाओगे और इतनी संख्या की जगह हमारी संख्या बड़ी हो जाएगी तो क्या हाल होगा? और मैं समझता हूं इसको ज्यादा दूर तक फैलाने की जरूरत है। क्यों? मैं जो समझ पाया हूं, लोग मोदी जी को बड़ा बहादुर समझते हैं, पर मैंने मोदी जी जैसा कायर व्यक्ति नहीं देखा। बहुत डरपोक आदमी है, बहुत डरपोक। अगर लोग बड़ी संख्या में निकल जाएं और सच कहने लगे, और ये मीडिया वाले जो साथी हैं, सोशल मीडिया वाले जो साथी, ये जो सच अब तक दिखाते रहे, ये सच दिखाएं, तो मोदी जी की टांगें कांपने लगती है कि ये कहां से आ गए भाव सच। इसीलिए जो मीडिया का गला लगातार घोटा जा रहा है, इसलिए मेरा कहना है, मैं बड़े भाई महमूद पराचा की बात से पूरी तरह सहमत हूं, हमें इस आंदोलन को बढ़ाना पड़ेगा और साथियों को शामिल करना पड़ेगा। अगर हम ये कर पाएंगे, हमें न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा, या यूं कहें कि अपनी लड़ाई में सफलता जरूर मिलेगी। हम हमेशा साथ रहेंगे, जब भी आवाज देंगे खड़े मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।